Bismillahirrahmanirrahim. एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज हेटरोपॉलीसेक्राइड्स. हेटरोपॉलीसेक्राइड्स बेसिकली बेटा इट कंटेन टू और थ्री डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स. ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें होमोपॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हेटरोपॉलीसेक्राइड इसे मेजरली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. वन इज टर्म्ड एज गैग्स, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स, एंड अदर इज म्यूसिलेजेस. ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन जो है इसमें इंक्लूड होगा बेटा हाइलोरोनिक एसिड, हैपरिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, सीरम म्यूकोइड्स. म्यूसिलेजेस में ये आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं. ठीक है, तो एज डेफिनेशन व्हाट इज हेटरोपॉलीसेक्राइड्स, तो ये ऐसे पॉलीसेक्राइड यूनिट्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के शुगर रेजिड्यूज मौजूद हों. ठीक है, हेटरोपॉलीसेक्राइड जो है इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि इसमें जो अनब्रांच पॉलीसेक्राइड्स, नंबर वन. नंबर टू, इसमें रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट्स होते हैं. इसमें जो डाइसेक्राइड यूनिट्स हैं उसमें दो तरह की मॉडिफाइड शुगर्स होती हैं, या तो होगा उसमें एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन शुगर या होगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. इसके अलावा क्या हो सकता है, यूरोनिक एसिड है, ग्लूकोरोनेट्स हैं, आइड्यूरोनेट्स हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं कि हेटरोपॉलीसेक्राइड्स में और क्या चीज़ें शामिल है. बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ हाईली नेगेटिव मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत हाई होती है. ये आमतौर पे जो ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन है ये आमतौर पर मौजूद होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिसेस में. ठीक है, और इसकी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी वो बहुत कम है. तो लो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से नेचर ने इसको रखा है हमारे लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स में, जैसे जॉइंट्स. तो जॉइंट्स के अंदर ये सिनोवियल फ्लूइड्स वगैरह की फॉर्मेशन में मदद देता है. रिजिडिटी होने की वजह से ये स्ट्रक्चरल जो एक स्ट्रेंथ है सेल की वो प्रोवाइड करता है. अगर सेल माइग्रेशन होनी हो या सेल टू सेल कोई ट्रांसफ़र करना हो किसी मॉलिक्यूल को, जैसे पैसेज प्रोवाइड करना, चैनल्स बनाना, वहाँ पर ये मौजूद होगा. अच्छा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन हैं जो कि जिनके पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, जैसे हाइलोरोनिक एसिड की बात की, हाइलोरोनिक एसिड जो है जॉइंट्स में मौजूद है. हैपरिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैपरिन. हैपरिन एंटीकोगुलेंट के तौर पर यूज़ होता है. ये एक ज़बरदस्त सी एक चार्ट है, ये चार्ट आपके बड़ा काम आएगा, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा. इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो समझना है. ठीक है, इसको पुरसकून अंदाज में देखिएगा, इसको समझिएगा, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है. ठीक, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के भी हमने एग्जांपल्स देखी थी बेटा, जिसमें अगार था, हैपरिन था, हैपरिन सल्फेट्स थे. ठीक है, तो इसकी जो खास बात है वो ये कि इसमें आपको अमाइनो शुगर्स भी मिलेंगी अलॉन्ग विद द पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल जो कि उसमें मौजूद हैं. मोनोसेक्राइड, डिफरेंट मोनोसेक्राइड, उसके साथ आपको अमाइनो शुगर्स भी इसमें नज़र आती हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें हैपरिन. बेस्ट इसका फंक्शन एंटी कोगुलेंट, याद रखिएगा. इसके अलावा बेटा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी वायरल, इसके अलावा अल्जीमर जो डिजीज उसमें भी इसको यूज़ किया जा रहा है. थैंक यू सो मच. इसे अच्छी तरह बुक से देखिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप बेटा इसमें क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन आप चाहते हैं मैं उसको क्लियर करूँ, कमेंट में ज़रूर लिखें. इससे रिलेटेड सवाल कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह ताला फ्री होकर ज़रूर जवाब दूंगा. इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों से शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.